अभी मैं यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया, और ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह है ज़ियाउल हक़ फ़ारूक़ी और उनकी अम्मी सैयदा गौहर उन्निसा और उनकी सिस्टर तहरा फ़ारूक़ी। 2018 से ये मेरे से दोस्ती करा, पहले पोलाइटली दोस्ती करा एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पे आने लगा। मैं रिसेंटली मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी इससे दोस्ती होने से पहले, 2017 में वाइफ की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल था, मैं अकेला था, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे घर पे आने लगा, मेरे घर पे रहने लगा। रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आ गया मेरे, और उसके बाद हर वक्त डिमांड करता था पैसे दो और उसके सारे अखराजात पूरे करो, जिम की फ़ीस, खाने पीने का सामान, इवन उसके घर में राशन भी कई दफ़ा डलवाया मैं। फिर उसके अम्मी की बर्थडे रही तो उन लोग के उसमें भी हज़ारों का पैसा। फिर इसकी शादी 2022 में शादी हुई इसकी, 7 फरवरी को, इसकी शादी में भी सारा पैसा मेरे से ही लगवा के पूरी शादी करवाया। वो सारे मेरे पास प्रूफ्स है। आपको क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके मसरूफियात क्या है? मैं होम ट्यूटर हूँ और फिर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, सऊदी के उधर के बच्चे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हो जाती मेरी इनकम, जिसमें से सिर्फ मैं किराया निकाल के सारा का ब्लैकमेल करने की वजह क्या है, मतलब क्या बोल के ब्लैकमेल करते थे? एक दफ़ा उसके टॉस के एग्ज़ाम्स थे इंटर के, लाइक 2019 में आई गेस या 18 के लास्ट वीक में, तो मेरे पास पढ़ने के लिए बोल के आया, तो आके पढ़ता था। उसके बाद बोलता था कि सूफी मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ, मेरा अलग सेपरेट रूम था, तो सूफी मैं तुम्हारे पास पढ़ता हूँ और तुम्हारे पास से ही वापस एग्ज़ाम हॉल को जाता हूँ, ठीक है बोलता था। तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते सो गया एंड देन सडनली वो मेरे साथ कुछ नाजेबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। एंड देन तब से शुरू हो गया, उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो। आप दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप हुआ ज़िया और मेरे बीच। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हुई 1 नवंबर को, तो उसके बाद मैं उसको कट आउट कर दिया। सेकेंड मैरिज उसके बाद उसको मैं कट आउट कर देने के बाद एक दो हफ्ते तक तो खामोश बैठा, उसके बाद फिर आके मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मेरे को वक्त नहीं दे रहे, तुम मेरे को बुला रहे नहीं पहले के जैसा। मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम्हारे को। तो फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं पूरा रिवील कर दूँ। लोग 10-10, 12-12 लोगों को बिठा लेके रख लेते, उसके अम्मी उसकी बीवी मेरे लिए अब्यूजिंग करते। उसकी अम्मी बोलते कि तू दो शादियाँ करा। मतलब मैं दो शादियाँ करा इसीलिए क्योंकि मेरी एक बीवी मर गई थी, तो मेरे को दूसरी शादी करना था, उसके अलावा भी मैं 2 साल के गैप में करा दूसरी शादी। लेकिन वो औरत जो ज़िया की जो मम्मी है ना, उन्होंने 4-5 शादियाँ करे, एक शौहर को रखते हुए दूसरा शौहर को रखते हुए तीसरा शौहर, फिर उनकी आंटी भी है एक, उन्होंने भी वैसे ही 3-3 शादियाँ करे, एक शौहर की पेंशन खाते हुए गवर्नमेंट जॉब। रिसेंटली कब उन्होंने आपको धमकी दिए थे? थोड़े दिन पहले जब मैं मोबाइल बनाने दिया करा तब। उसके बाद ये बोले कि अब तुम्हारे इन लॉज को, मतलब तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे घर के ख़वातीन को भी अब हम जो है ना बेइज्जत करेंगे, उन लोगों की भी बेइज्जती करेंगे, उनका भी घर बर्बाद करेंगे। तो वो वजह से आप ये कदम उठाए? जी, मैं रमज़ान में भी जो है ना सुसाइड अटैम्प्ट करा था, ये रमज़ान में भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, मेरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, मेरी लाइफ ख़राब कर दिया, मेरी शादी ख़राब कर दिया, फिर मेरा ख़ानदान से मेरे को दूर, बिल्कुल मैं अकेला कर दिया मेरे को। जब रमज़ान में करे थे सुसाइड अटैम्प्ट, उसके बाद भी कंप्लेन नहीं हुई थी? नहीं हुई थी कंप्लेन। उनको मालूम था ये? नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। फिर मैं यहाँ पे मोगलपुरा में कंप्लेन करा था मैं अप्रैल में, मुकेश वर्धन सर ये केस हैंडल कर रहे थे, तो उसके बाद उन लोग क्या करे, हाथ हम पैरा पढ़ के अपोलोजाइज़ करके हम माफ़ी मांगते, क्योंकि पैरों पे गिर गए उनके अम्मी, रोड पे पैरों पे गिर के करके, सूफी मैं तुमको बड़ा बेटा बोलती थी, मैं मरे बाद तुम ही कुरान शरीफ मेरे को पढ़ के बख्शना, मेरे को तुम नहीं छोड़ना, बस ऐसा बिल्कुल जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे, और मैं थोड़ा सा इमोशनल फूल हूँ। सो मैं तभी जो है ना मैं केस वापस ले लिया मेरा। उसके बाद जैसा मैं केस वापस लेते फिर से वो लोग मेरे को जो है ना बुली करने लग गए। आपके कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह भी है बोल के बोल रहे थे? जी हाँ, फोटोज वीडियोस इंटरनेट जो हुए हम लोग वो भी है। क्या आपके फोटोज वगैरह क्या है उसमें जो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? जी, फ़ोटोज़ मेरे पास भी है, फ़ोटोज़ इसके पास भी, आप बोल रहा कि डिलीट कर दिया है, क्योंकि फ़ोटोज़ इसके पास भी थे, फ़ोटोज़ मेरे पास भी थे। इनफैक्ट मैं जो है ना उसके दोस्तों के पास भी शिकायतें कर रहा, अराउंड 10:30 ऐसे कुछ सुसाइड अटैम्प्ट करा, मैं सारी चीज़ें खा लिया, लाइक एल्फ्राजोन
120 अल्फ़ासाउंड 0.5 के मैं 48 टैबलेट्स खाया, फिर नीला तोता बल्कि मिलती दवा वो भी मैं मतलब 10 ग्राम्स वो ले लिया, फिर चूहे मारने की दवा वो लिया ना, मतलब एक साथ तीन चार। सुसाइड करने की वजह क्या है? ये सिर्फ ज़िया और ज़िया की फैमिली है, जो लोग मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे हैं और मेरे को बदनाम कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं मेरे बैक पीछे, हर चीज़ बुरी वो लोग कर रहे हैं और मेरे को ही बदनाम कर रहे हैं। वो लोग ज़िया की चैटिंग है, वो सब कुछ मेरे पास है। क्या है चैटिंग में, क्या बोल गया? चैटिंग में जो बुरी वो लोग कर रहे हैं और मेरे को ही बदनाम कर रहे हैं। वो लोग ज़िया की चैटिंग है, वो सब कुछ मेरे पास है। क्या है चैटिंग में, क्या बोल गया? चैटिंग में जो है ना टॉर्चर नहीं करता था, चैटिंग में बोलता था कि मैं आपके साथ ही रहता हूँ, आप मेरे को होना, आई लाइक यू, आई लव यू, आप मेरे को नहीं छोड़ना, अगर आप मेरे को छोड़े तो अच्छी बात नहीं हुएंगी। इवन कुरान शरीफ पे भी हाथ रख के कसम खाता था कि आप मेरे को नहीं छोड़ना, ऐसे डोके मैं यही बिहाफ पे यही रिलेशन के उसमें जो है ना मैं इसको इतना पैसा देते गया। क्या रिलेशन था आप दोनों के बीच में? फिजिकल रिलेशन था। आप दोनों के, आपके और जिया के बीच में फिजिकल रिलेशन था। 377 अब हॉस्पिटल कैसा पहुँचे? अब ऑफिस से मैं जब खा के अनकॉन्शियस हो गया था रिसेंटली, मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने नॉक करे, उन आए आके फिर फ़ौरन उन्होंने शालीबंडा पीएस पे कॉल करे, तो वहाँ से पुलिस वाले आए और फिर एम्बुलेंस आई, वहाँ पे उन लोग मेरे को यहाँ पर लेकर आए, लेके आके मेरा पॉइजन ये सब निकाले करे। डॉक्टर अभी डॉक्टर तो कुछ नहीं बोले, अभी पॉइजन निकाले थे, वो पाइप डालना है नाक में एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी कंप्लेन कराए? जी नहीं करा है कंप्लेन अभी। मैं अभी आके पुलिस वाले, जी हाँ यहाँ पे बयान लिए मेरा जी। और ये जिया आपको इससे पहले कभी ऐसा करे थे लाइक कोई चीज़ की डिमांड वगैरह, आपको टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना? ये जिया फरवरी से पहले तक करते थे, उनकी शादी से पहले तक, उनकी शादी कराओ, उनके लिए कपड़े बनाओ, मतलब हर चीज़ का शादी तक कराए, जैसा शादी होता है ख़त्म, पूरा शादी वाली में हर चीज़ उनका मैं ही करा। तो उनका इतना खर्चा उठाने की वजह क्या है आपको, आपको डर क्या था? रिलेशन था ये बल्कि, इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ताकि मेरे को, पहले तो मेरे को मेरे ख़ानदान से मेरी फैमिली से सबसे अलग कर दिए, अलग कर दे के फिर अब बोलने लगे तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब मैं भी छोड़ दिया तो तुम जो है ना तिले तिल मर जाएंगे अकेले रह के, मैं छोड़ना ना मैं तुम्हारा को, तो तुम मैं जैसा बोले वैसा सुनना, ऐसा इमोशनली मेरे को ट्रैक करे उन्होंने। और जिया के पास हम लोग के फ़ोटोज़ भी थे, मतलब हम लोग जो भी करते थे एक्टिविटीज़ उसके फ़ोटोज़ थे, तो उसके बेस पे उन्होंने जो है ना ब्लैकमेल भी करता था मेरे को कि फ़ोटोज़ है ये है ना तो मैं डाल देता हूँ, डे वन से उसके पास फ़ोटोज़ है। और ये जिया मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन में था उन्हें, उसके बाद मेरे को पकड़ा, पता नहीं कैसा पकड़ा, कैसा क्या करा, बस उन्हें जब से आने लगा तब से मैं अनकॉन्शियस हो गया। ब्लैकमेल करने की वजह से आप सुसाइड की कोशिश करें? जी हाँ। अब मैं मुगलपुरा पीएस में आप कुछ कंप्लेन दिए थे? जी हाँ कंप्लेन दिया था, मैं यही कंप्लेन दिया था कि मतलब मेरे 10 लाख रुपए ले चुका है इन्हें और मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करके करा के 10 लाख रुपए ले गया हो, तो वहाँ पे लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ भी कराए, माफ़ी मांगे और 1,20,000 दिए और बोले कि फिर हम देते रहेंगे। जो लेना पड़ा नहीं, 2020 में भी मैं एक दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट करा था, बिकॉज तब मैं बोला था कि ना तो मेरे को मेरी बीवी चाहिए ना तू चाहिए, मैं मरना ही बेहतर है, तो फिर तभी मैं अनफॉर्चुनेटली बच गया, तो फिर मेरे ससुराल वाले लोग सब जने को मालूम हो गया, फिर मेरे ससुराल सास और मेरी वाइफ जो है ना वो लाइटली अलग हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, नहीं इनफैक्ट मेरी जो है ना साबिका वाइफ जो थे ना ये ज़िया, जी हाँ खुला ले लिया उन्होंने, मेरे साबिका वाइफ जो थे सना जैनब नाम था उनका, दोनों बोले कि ज़िया से बात भी करे, ज़िया से बात करके बोले कि मेरे हस्बैंड को आप ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी लाइफ उसको ऐसा तबाह नहीं कर सकते, एंड देन नहीं माना, फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो जाने के बाद तो उन्हें तो और भी चलो अब मेरा ही राज है, बल्कि दिन रात मेरे ही घर पे रहता था दिन रात। उसके बाद शादी हुई, कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं नहीं करा था मेरे को, बस यही करे थे इससे पहले, तब भी मैं कंप्लेंट नहीं करा था उसके ऊपर, कंप्लेंट नहीं करा मैं अपने ऊपर ही ले लिया, मैं बोला कि आज गोलियां खाने की, आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की क्या वजह है? बहुत ज़्यादा टॉलरेंट। अब मैं रिसेंटली दो चार दिन पहले मोबाइल बनाने दिया हमें, उसकी अम्मी का पार्लर है वहाँ पे, पार्लर के बाजू ही मोबाइल बनाने दिया हमें, तो वहाँ पे आके क्या बोल रहा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इन्हें ऐसा है वैसा है, इसके पास नहीं बना, और बोल रहा कि तुम वहाँ जिम पे नहीं जाना, तुम वो एरिया में नहीं जाना, मतलब मैं क्या चोरी करा, मैं डाका डाला, क्राइम तुम लोग करे, धोखा तुम लोग दिए, मेरा 10 लाख रुपये होता पैसा तुम लोग खाए, फिर मैं क्यों छुप के रहूँ, मैं क्यों चोरों के ऐसा छुपूँ, तो नहीं तो देखो फिर हमारे
ताया ससुर यासीन पहलवान को बुला के हड्डियाँ तोड़ा देते, मर्डर करा देते, ऐसे धमकियाँ। अब रिसेंटली धमकी क्या दे रहा? अब तक तो मेरे को धमकी दे रहा था, अब क्या बोल रहा कि अब तेरी फैमिली को भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ इन सब चीज़ों में। मेरी फैमिली वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतना गोशे पर्दे के, जब ये मेरी बात मालूम हुई मेरी फैमिली को, तो तब से ही वो लोग मेरे को बाइकआउट कर दिए। लाइक 3 साल से मैं मेरी फैमिली से सेपरेट हूँ, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन लोग के लिए बहुत ही नाजिबा हरकत थी, वो लोग के लिए अनएक्सपेक्टेबल था ये। तो वो लोग बोले कि नहीं, अब तुम सेपरेट हो जाओ, हमारे से दूर हो जाओ। फिर मैं उसी के साथ रहने लगा। शादी हो गई, शादी के 15 दिन के बाद फिर आया, आके बात करा, उसके बाद सडनली ऑफ चले गया। चले जाओ बोला ना, पूरा मतलब ब्लॉक ही वो कर दिया मेरे को। तब मैं उसके घर पे गया, उसके मम्मी के घर पे जाके बोला कि मेरे को ब्लॉक कर दिए, मिले नहीं, जिम में भी नहीं आया, क्या बात है? तो उसके सारे तालाब कट्टे के दोस्तों को, लाइक क्या नाम है इसका, अजहर को, और भी 2-3 दोस्त थे, अजहर भी बहुत पिल पिल के मारने आ रहा था, जबकि उन लोगों को कोई हिस्ट्री नहीं मालूम। और मैं जब भी जाता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ सर, मैं आन जाने से पहले वो लोग 10-10 12-12 लोगों को बिठा लेके रख लेते हैं। उसके अम्मी, उसके बीवी मेरे लिए अभी